वार्ड नंबर 40 व वार्ड नंबर 7 में पेयजल समस्या को लेकर पार्षद जनता संग बैठे धरने पर कहना शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई। जनता के साथ राजनीति आखिर क्यों नहीं। लू नगर करबला में तो बताया कई माह से है ये परेशानी। तंग आकर किया आमरण अनशन। दोनों वार्डों की जनता भी पार्षदों के साथ बताया मीडिया को अपना दर्द। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 40 नई बस्ती नंदराम चौक व नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 7 नेहरू नगर में पेयजल समस्या को लेकर दोनों क्षेत्रों के पार्षद क्षेत्रीय जनता के साथ अपने अपने वार्डों में धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही कहा जब तक पेयजल समस्या का निदान नहीं होता तब तक यह धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। इस बारे में नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव ने बताया कि बीते माह में मेरे माता पिता को कोरोना हुआ था तो उनके इलाज को वे दिल्ली चले गए। इस बीच यहाँ जलकल विभाग ने राजनीति के तहत यहाँ की पेयजल व्यवस्था ठप कर दी। पूर्व में भी उन्होंने संघर्ष करते हुए पेयजल व्यवस्था कराई जिसमें मुकदमे भी लिखे गए। राजनीति करिए लेकिन जनता के साथ राजनीति क्यों। वे अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे हैं जब तक जनता को पानी नहीं मिलता। वहीं वार्ड नंबर 7 के पार्षद हेत सिंह शंखवार ने बताया कि करबला व नेहरू नगर के अंदर एक महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। शिकायतें करते करते एक माह हो गया कोई हल नहीं निकल रहा। गली नंबर 5 में कम से कम 2 साल से समस्या बनी हुई है। नेहरू नगर में 3-4 महीने से पानी की समस्या है। ठेले से हाथों से बच्चे पानी भरते हैं। सवेरे लोग पानी भरे या अपना काम करें। काफी परेशान होने के बाद अब आमरण अनशन किया है। क्षेत्रीय जनता ने भी अपना दर्द बयां किया है। नाम है आपका, किस वार्ड से पार्षद है? देश दीपक यादव मेरा नाम है। मैं नंदराम चौक वार्ड नंबर 40 से पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र की समस्या ये है कि अभी करीब 17-18 दिन पहले मेरे माता पिता को कोरोना हुआ तो मैं दिल्ली चला गया उनके इलाज के संबंध में। तो मेरे पीछे यहाँ जल कल विभाग की तरफ से कुछ अधिकारियों ने राजनीति के तहत मेरे वार्ड का पानी काट दिया। जब पिछली बार मैं यहाँ सभासद बना था तो मेरे यहाँ पानी की बड़ी व्यवस्था खराब थी तो मैंने संघर्ष किया रोड़े जाम की, मुझ पर मुकदमे लगे, तब जाकर मैं पानी की व्यवस्था करा पाया। अब पता नहीं क्या राजनीति की मेरे साथ मेरे क्षेत्र में पानी काटा गया। मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 43 और करबला वार्ड, इन तीनों वार्डों में पानी का इतना सूखा पड़ गया। अभी करबला के पार्षद जी धरने पर बैठ गए हैं, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये राजनीति ठीक है, पार्षदों के साथ करिए, पार्टी के साथ करिए, जनता के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये कौन लोग हैं जो गलत काम करके हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं धरने पर बैठा हूँ और अनिश्चितकाल के लिए धरना जाता हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता को पानी नहीं मिल जाता। आपका हमारा नाम हेत सिंह संगवार है। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 7 पार्षद हेत सिंह संगवार मेरा नाम है। किस समस्या को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पे? करबला के अंदर और नेहरू नगर के अंदर पानी की समस्या बनी हुई है। आज कम से कम एक महीना हो गया चिल्लाते कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। एक बार गली नंबर 2 में पानी चेक हुआ, प्रेशर नहीं था, गड्ढा मूंद के चले गए। ताजिंदा अभी तक मतलब उन्होंने मतलब सुध नहीं ली। गली नंबर 5 में आज कम से कम दो साल से समस्या बनी हुई है। कोई अधिकारी या कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। नेहरू नगर में आज कम से कम 3-4 महीने तो पानी की समस्या बनी हुई है। लोग परेशान हैं पानी पीने को, अपने ठेले से और मतलब ठेले से हाथों से बच्चे पानी भरते हैं। हम लोगों का सवेरे का काम चूड़ी जुड़ाई का है। अब ये बताओ कि सवेरे लोग जो लोग पानी भरें या अपना काम करें या अपनी दाल रोटी चलाएं, इतनी मजबूरी बन चुकी है। तब परेशान होकर आज हमने आमरण अनशन किया है। विजय बाबू यार, कौन सा बात पड़ता है, समस्या क्या है यहाँ? सामने 43 है, जो 43 है पानी समस्या ज़्यादा है। जब भी आता है तो बिल्कुल गंदा पानी आता है, फिल्टर पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल। कितने दिनों से समस्या है? कैसा भी नहीं आता। कितने दिनों से समस्या है? 15 दिन करीब हो गए यहाँ के। तो साहब ने शिकायत कहीं यहाँ? शिकायत हुई है यहाँ, बता रहे और भी अधिकारी आज ही शिकायत की है। आज तुम्हारे सफाई मुंह के अध्यक्ष रहते हैं, कल दूसरे पार्षद कौन है यहाँ पे? पार्षद एक देश दीपक यादव है। क्या नाम है आपका? आनंद बाबू। ये कौन सा वार्ड पड़ता है, कौन सी जगह है ये? वार्ड नंबर 43 44 है। तो क्या समस्या क्या है यहाँ की? पानी समस्या बहुत बुरी, 8 दिन से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल पानी नहीं आ रहा।